3 महीने बिता दिए मैंने वहां पर, तो आप कुछ भी कर लो, क्योंकि एग्जाम में अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं ना आप, तो स्कूल में हीरो है, नहीं तो जीरो है। इतना तामझाम करने के बाद भी ना मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आया। 3 महीने बिता दिए मैंने वहां पर, बहुत मेहनत भी की, रोज 2-2 घंटे प्रैक्टिस भी की, फिर भी मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आया। अच्छा, मैंने ये वाला कोर्स खरीद लिया, पूरे दिन पढ़ता रहता हूँ, सारे वर्ड मीनिंग याद कर लिए, फिर भी मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आया। आएगा भी नहीं, कि प्रॉब्लम वहाँ पर नहीं है, प्रॉब्लम आपकी मेहनत में नहीं है, प्रॉब्लम आपने पैसा खर्च किया वहाँ भी नहीं है, प्रॉब्लम है आपके सीखने के पैटर्न में। अगर सीखने का रोड, सीखने का पैटर्न, सीखने का तरीका गलत है ना, तो आप कुछ भी कर लो, कोई आपको इंग्लिश बोलना सिखा नहीं सकता। एक्चुअली प्रॉब्लम पता है क्या है, हम बचपन से लेकर आज तक जिस तरह से चीज़ों को सीखते आए हैं, उसी में प्रॉब्लम है। आप 3री क्लास में थे, आपके पापा ने कहा बेटा परसों से एग्जाम है पढ़ लो। 5वीं क्लास में गए, फिर किसी ने कहा फला फला तारीख से एग्जाम है पढ़ लो। 10वीं क्लास में गए, फिर किसी ने कहा इतनी तारीख से एग्जाम है पढ़ लो। 12वीं ग्रेजुएशन, हर क्लास में कोई बताता रहा आपको एग्जाम है पढ़ लो, एग्जाम है पढ़ लो, और आपके दिमाग में इनकल्केट हो गया, फिक्स हो गया कि एग्जाम के लिए पढ़ना होता है। और सही बात भी है, क्योंकि एग्जाम में अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं ना आप, तो स्कूल में हीरो है, नहीं तो जीरो है। घर में भी अगर आपने अच्छा स्कोर किया तो यू आर हीरो, अदरवाइज जीरो। हमें समझ में आ गया कि एग्जाम ही सब कुछ होता है। परंतु जब बात इंग्लिश सीखने की आती है ना, इंग्लिश बोलने की आती है, तो ये एग्जाम नहीं है। इंग्लिश बोलना एग्जाम नहीं है। एग्जाम के दौरान जो आप 5 घंटे 7 घंटे जोरदार तरीके से पढ़ के एग्जाम में पास जाते हो ना, एग्जाम के 15 दिन बाद सब साफ। इंग्लिश में भी ऐसे चलेगा क्या? आप किसी को बोलोगे 15 दिन पहले मुझे इंग्लिश बोलनी आती थी, अब नहीं आती है। इंग्लिश बोलना एग्जाम नहीं है, इट इज समथिंग एल्स। इंग्लिश बोलना बॉडी बनाने जैसा काम है, इंग्लिश बोलना सिंगिंग करने जैसा काम है, इंग्लिश बोलना डांस करने जैसा काम है। एक्चुअली इंग्लिश बोलना एक स्किल है। 10वीं क्लास पास करना मेमोरी बेस्ड टास्क है, इंग्लिश बोलना स्किल है। 12वीं क्लास पास करना मेमोरी बेस्ड टास्क है, इंग्लिश बोलना स्किल है। अगर आप हैबिचुअल है मेमोरी बेस्ड टास्क को प्रिपेयर करने की, और वही वाला पैटर्न आप इंग्लिश बोलने में भी लगा रहे हैं, तो ये काम आने वाला नहीं है। आप बताइए ना, किसी व्यक्ति को कोई स्किल डेवलप करना हो, मान लीजिए किसी को सिंगिंग करनी है, उसको अच्छा सिंगर बनना है, वो 4 दिन जोरदार तरीके से, जैसे एग्जाम के दौरान आदमी पढ़ने लग जाता है, सेम काम यहाँ भी कर दे, 4 दिन खूब सारा मेहनत कर ले, पूरे दिन रात गाना ही गाता रहे, तो सिंगर थोड़ी बनेगा, उसके गले का बैंड बच जाएगा। इसी तरीके से किसी व्यक्ति को बॉडी बनानी है, एक ये वाला स्किल डेवलप करना है, वो लगातार 10 घंटे 12 घंटे रोज एक्सरसाइज करेगा तो बॉडी थोड़ी बनेगी, हॉस्पिटल में पहुंच जाएगा। उसको स्टार्ट करना होगा कम से, उसको स्टार्ट करना होगा बहुत आधे घंटे से, 1.25 घंटे से, 1 घंटे से, और धीरे धीरे ये स्किल उसको डेवलप करनी है। इंग्लिश में भी ऐसे ही करना आपको। 20 मिनट अ डे इज इनफ, 20 मिनट अ डे इज इनफ। वो 20 मिनट 22 में बदलेगा, 25 में बदलेगा, वो 2 आवर में बदलेगा, वो 3 आवर में भी बदलेगा, और आप देखते देखते कब हैबिचुअल हो जाएंगे, क्योंकि इंग्लिश बोलना एक हैबिट है सर। और एग्जाम देना, मैं फिर कह रहा हूँ, मेमोरी बेस्ड टास्क है, उसको साइड कीजिए और स्किल को डेवलप करने का तरीका समझिए, हैबिट को डेवलप करने का पैटर्न को समझिए। इट स्टार्ट्स स्लोली, यानी 10 मिनट देना स्टार्ट कीजिए, वो 10 मिनट 12 में बदलेगा, 12 15 में बदलेगा, वो 20 में बदलेगा, और जल्दी आप इंग्लिश बोलने में हैबिचुअल हो जाएंगे। दैट्स ऑल फॉर नाउ, बी बिजी, मेक योर लाइफ इजी।